यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा प्रोएक्टिव रूटिंग के बारे में। तो प्रोएक्टिव रूटिंग का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं टेबल ड्रिवन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं टेबल ड्रिवन रूटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यह जो प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स यानी कि टेबल ड्रिवन रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं कुछ पाथ्स को इस्टेब्लिश करते हैं, और यह पाथ को इस्टेब्लिश तब किया जाता है जब इनकी नीड ना हो, उससे पहले भी इन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी कि जब भी हम प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे तब पाथ्स को इस्टेब्लिश उनके नीड होने के पहले, बिना किसी एक्चुअल नीड के भी पाथ्स को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब इस पूरे अप्रोच का एक एडवांटेज है, और वह एडवांटेज यह है कि इसमें जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। रूट्स क्या होंगे, वो अवेलेबल होंगे, और तब अवेलेबल होंगे जब भी इनकी नीड रहेगी, ठीक है। और इनकी अवेलेबिलिटी में यानी कि रूट्स की अवेलेबिलिटी में किसी भी तरीके का डिले नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिले नहीं होगा। और डिले नहीं होगा इसका मतलब ये है कि जो भी रूट्स होंगे वो इंस्टेंटली अवेलेबल होंगे। जबकि ऑन डिमांड रूटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता था कि कुछ समय का डिले होता था और उसके बाद ही रूट्स अवेलेबल होते थे। लेकिन प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स में ऐसा नहीं होगा। प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स में जो भी पाथ्स होंगे वो इंस्टेंटली अवेलेबल होंगे, क्योंकि उन पाथ्स को पहले से इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनके नीड के पहले से उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है इस वजह से। अब यहाँ पर प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल का एक डिसएडवांटेज है, वह डिसएडवांटेज यह है कि इसमें जो ओवरहेड्स होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है बिल्डिंग में। यानी कि प्रोएक्टिव रूट्स से जो भी रूट्स बनेंगे उन रूट्स को बनाने में ओवरहेड्स इन्वॉल्व हो जाता है, और कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज रूटिंग टेबल को मेंटेन करना पड़ता है। और इस वजह से क्या हो सकता है, रूटिंग एरर्स क्रिएट हो जाता है। प्रोएक्टिव रूटिंग्स में हम कुछ अलग अलग अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है DSDV, यानी कि D फॉर डेस्टिनेशन, S फॉर सीक्वेंस्ड, अगेन D फॉर डिस्टेंस एंड V फॉर वेक्टर। यानी कि डेस्टिनेशन, सीक्वेंस, डिस्टेंस, वेक्टर एक रूटिंग प्रोटोकॉल है जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का। यानी कि डेस्टिनेशन सीक्वेंस्ड डिस्टेंस वेक्टर DSDV रूटिंग प्रोटोकॉल एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स में हर नोड I मेंटेन करता है एक लिस्ट ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन करता है। अब यह जो लिस्ट ऑफ डिस्टेंस होता है इसे हम डिनोट कर सकते हैं DXBASIJ से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ डिस्टेंस होता है यह किसके लिए होता है, जो लिस्ट ऑफ डिस्टेंस होता है वह हर डेस्टिनेशन के लिए होता है, और डेस्टिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से।
अब इस डेस्टिनेशन एक्स में कुछ नेबर्स भी हो सकते हैं, कुछ नेबर्स भी हो सकते हैं, तो इन नेबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इसके बाद जो नोड आई होता है, नोड आई सेलेक्ट करता है नोड के को, और यहाँ पर नोड के जो होता है वो होता है नेक्स्ट होप, किसके लिए होता है, फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, यानी कि पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक नेक्स्ट होप यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं के। और यह जो नेक्स्ट होप फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग ये किस केस में होगा, यदि टी की पावर एक्स आई के इक्वल मिनिमम डी की पावर एक्स बेस आई जे। इस केस में जो के होगा वो होगा नेक्स्ट होप। यह जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि डी की पावर एक्स बेस आई के इक्वल मिनिमम डी की पावर एक्स बेस में आई जे, यह इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है एक रूटिंग टेबल, यह इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है एक रूटिंग टेबल में, और इसके साथ साथ एक सीक्वेंस नंबर भी स्टोर होता है हर एंट्री के लिए, हर एंट्री के लिए, जहां पर यह जो सीक्वेंस नंबर है, यह जो सीक्वेंस नंबर है यह असाइन किया जाता है, यह क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है बाय द डेस्टिनेशन नोड। यहाँ पर इस सीक्वेंस नंबर का जो पर्पस है वह यह पर्पस है कि इससे अलाउ किया जा सकता है नोड्स को, सीक्वेंस नंबर से अलाउ किया जा सकता है नोड्स को कि वो डिस्टिंग्विश करें या बनाएं स्टेल रूट्स को, स्टेल रूट्स को न्यू नोड्स से, ताकि रूटिंग में किसी भी तरीके का लूप्स क्रिएट ना हो सके, यानी कि यहाँ पर हमें रूटिंग लूप्स को प्रिवेंट करना है। हर नोड यानी कि ईच नोड क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है अपडेट्स को, हर नोड जो होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है अपडेट्स को, किसके पास यह अपडेट जाता है, यह अपडेट जाता है रूटिंग टेबल के पास पीरियोडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम यह इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन कभी कभी यह इन्फॉर्मेशन इमीजिएटली भी जा सकती है, यह इन्फॉर्मेशन इमीजिएटली भी जा सकती है, और यह इमीजिएटली इन्फॉर्मेशन जाने का जो रीज़न होगा वो ऐसा होगा कि जब कभी भी ऐसा सिग्निफिकेंट न्यू इन्फॉर्मेशन मिले जो कि नेटवर्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो इमीडिएट बेसिस पे जाता है। यहाँ पर DSDV यानी कि डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर यूज़ करता है दो तरह के पैकेट्स को, यहाँ पर यूज़ करता है दो तरह के पैकेट्स को यूज़ करता है अपने रूटिंग टेबल के कंटेंट को शेयर करने के लिए। पहला इसमें यूज़ किया जाता है फुल डंप, इसमें पहला यूज़ किया जाता है वो है फुल डंप। अब यह फुल डंप क्या होता है, फुल डंप में सारे ऑल अवेलेबल रूटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होते हैं, फुल डंप में सारे ऑल अवेलेबल रूटिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं। जबकि एक और जो दूसरा पैकेट यूज़ होता है इसमें वो है इंक्रीमेंटल पैकेट। तो इस इंक्रीमेंटल पैकेट में सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो कि फुल डंप के बाद, जो कि फुल डंप के बाद चेंज होती है।
होती है। यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल पैकेट्स होते हैं, यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल पैकेट्स यूज़ होते हैं TS TV में, वो स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू फुल टर्म। ठीक है, तो जब कभी भी इंक्रीमेंटल पैकेट्स जो है वो फुल डंप से स्मॉलर होते हैं, तो उस वजह से DS DV में कंट्रोलिंग ओवरहेड क्या होता है, रिड्यूस होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।